वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू जो चल रहा है इस वक्त, जहाँ जो 2019 से शुरू हुआ है 2023 तक जाएगा, लेकिन फिलहाल 2022 है। कोविड-19 की वजह से जो अभी रिसेंट जो सीरीज थी यूएई नामीबिया और ओमान, वो कहीं ना कहीं होल्ड पे हुई। दो ही मैचेस हो पाए, ओमान ने नामीबिया को हराया, नामीबिया ने ओमान को हराया। यूएई को किसी को हराने का या हारने का मौका मिला ही नहीं। चलिए, लेकिन आज के डेट तक वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू में क्या हाल है? टॉप स्कोर, टॉप विकेट टेकर्स, हाईएस्ट इंडिविजुअल, हाईएस्ट सबसे ज्यादा 50s, बॉलिंग स्पेल्स, विकेट कीपिंग में सबसे ज्यादा डिसमिसल किसने किए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ लेगा, क्योंकि अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। नया साल है, इसलिए सोचा कि एक अपडेटेड अब आपको एक मिल जाना चाहिए चेक अपडेट कि आखिर वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू में क्या हाल है। शुरुआत सबसे पहले कर लेंगे टॉप 3 हाईएस्ट स्कोरर्स से। मैं चाहूंगा बताएं कि अब तक वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू सीरीज में टॉप 3 सबसे ज्यादा मारने वाले बैट्समैन कौन से हैं और कौन सी टीम से। बिल्कुल, और फर्स्ट नंबर पे है आकिब इलियास, जो नंबर 1 पोजीशन संभाले हुए हैं अपना। 16 मैचेस में 801 रन, जी हाँ, और इनका एवरेज 61 का एवरेज है। 2 सेंचुरीज और 5 हाफ सेंचुरीज ये लगा चुके हैं अब तक इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू। बिल्कुल नंबर 1 पे है, और इनकी 69 की एवरेज थी, थोड़ी बहुत एवरेज गिरी है 61 पे, लेकिन नंबर 1 पे अभी बने हुए हैं। बात करते हैं सेकंड नंबर की। बिल्कुल, और सेकंड नंबर पे है जिशान मकसूद, जी हाँ, इनके कैप्टन ओमान के। जिशान मकसूद, बिल्कुल, और 20 मैचेस में 511 रन और 31 का एवरेज है, और इसी के साथ 1 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरीज इनके नाम है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जिशान मकसूद जो है, आज हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं जो पिछले 2-3 सीजन उसमें ज्यादा से ज्यादा रन वही मार रहे हैं, क्योंकि ओमान की जो टॉप ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करता हुआ नजर आया। तीसरे नंबर पर कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मारे अभी तक वर्ल्ड क्रिकेट लीग सीरीज? बिल्कुल, और तीसरे नंबर पे पीएनजी के कैप्टन असद वाला, जी हाँ, जो अकेले ही जिम्मेदारी संभालते हैं। 12 मैचेस में 503 रन, 41 का एवरेज और 1 सेंचुरी 1 हाफ सेंचुरी। ऐसे ये क्लियर हो गया कि यही 3 प्लेयर हैं जिन्होंने अभी तक 500 का मार्क क्रॉस किया है डेफिनेटली वर्ल्ड क्रिकेट लीग सीरीज में। चलिए, ये तो बात हो गई टॉप 3 स्कोरर्स की। अब अगर बात करें टॉप 3 विकेट टेकर्स वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की, इस सीरीज में कौन कौन से हो गए हैं आज की डेट तक? बिल्कुल, और वो है जिशान मकसूद नंबर 1 पे। इनका तो क्या टूर्नामेंट जा रहा है, मानना पड़ेगा। 20 मैचेस में 35 विकेट ले चुके हैं और 3.88 की इकोनॉमी रेट है इनकी। जबरदस्त इकोनॉमी रेट के साथ विकेट ले रहे हैं, ऑलराउंड परफॉर्मर है। बैटिंग में सेकंड पे, बॉलिंग में नंबर 1 पे, बहुत ही अच्छा जा रहा है जिशान मकसूद का। डेफिनेटली कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है ये सारी के साथ एसोसिएट टीम्स के। अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर, बिल्कुल सेकंड नंबर पे ओमान टीम के ही मीडियम बॉलर, लेफ्ट आर्म मीडियम बिलाल खान, जी हाँ, बिलाल खान 19 मैचेस में 33 विकेट ले चुके हैं और 4.59 की इनकी इकोनॉमी रेट है। तो 2 ही विकेट पीछे है, इन्हीं में टक्कर चल रही है अभी रेस के लिए। बिल्कुल, डेफिनेटली यहाँ पर भी ओमान के प्लेयर्स हैं, और ये क्यों हो, क्योंकि ओमान के मैचेस भी जो है वो करीब करीब 20 हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जिनके जिन जिन भी टीमों के 10 से ऊपर मैचेस हो चुके हैं वो भी इस लिस्ट में नहीं है। कहीं ना कहीं ओमान की परफॉर्मेंस बिल्कुल दाद देने लायक है, क्योंकि ऐसे नहीं कि सभी की 10 से नहीं, पीएनजी के कितने मैचेस हो चुके हैं, यूएसए के मैचेस, स्कॉटलैंड के मैचेस हो चुके हैं, तो डेफिनेटली वो टीम्स को भी हरा कर कहीं ना कहीं ओमान इस लिस्ट में ऊपर है। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर, बिल्कुल, और तीसरे नंबर पे सौरभ नेत्रवलकर, ये भी लेफ्ट आर्मर है यूएसए के, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। 16 मैचेस में 26 विकेट ले चुके हैं और 3.55 का इनका इकोनॉमी रेट है। बिल्कुल, तो यानी 3.5 के आसपास के इकोनॉमी रेट के 2 बॉलर हैं जो कि टॉप विकेट टेकर्स हैं इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू में। यानी कितने कंजूस हैं ये दोनों, जिशान मकसूद और अगर सौरभ नेत्रवलकर की बात करूं खास करके। चलिए, ये बात हो गई टॉप विकेट टेकर और टॉप बिल्कुल स्कोरर्स की। अब यहाँ चलते हैं दूसरी तरफ, थोड़े से इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर अब तक हमें देखने को क्या मिला है इस टूर्नामेंट? बिल्कुल, और दो अगर हम हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो जेपी कॉट्से, जहां नामीबिया के बैट्समैन जेपी कॉट्से, इनका हाईएस्ट स्कोर है 136 रन, इन्होंने यूएसए के खिलाफ मारे थे बहुत 109 बॉलों में। तो ये है इन जेपी कॉट्से जो नंबर 1 पे है इंडिविजुअल स्कोर में। बिल्कुल, और कोई सेकंड नंबर का हमारे पास इंडिविजुअल स्कोर कोई है? वो भी नामीबिया से है, क्रेग विलियम्स, जहां जिन्होंने ओमान के खिलाफ बिल्कुल 129 रन मारे थे 94 बॉलों में। बहुत, तो आप सोच सकते हैं क्या जबरदस्त, 13 चौके भी थे उसमें और 6 छक्के मारे थे उस इनिंग। डेफिनेटली, तो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स में कहीं ना कहीं लंबी इनिंग खेलने में नामीबिया के प्लेयर्स अभी तक सक्सेसफुल हुए हैं। जो टॉप 2 स्पॉट है वो दोनों के दोनों नामीबियन प्लेयर्स के पास है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब अगर यहाँ बात करें बेस्ट बॉलिंग स्पेल की, यहाँ बेस्ट बॉलिंग स्पेल की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हमारे पास 2 है या फिर हमने एक ही पिक? नहीं नहीं, बिल्कुल वन एंड ओनली एक ही है, और वो है संदीप लामिछाने फ्रॉम नेपाल, जी हाँ, स्टार बॉलर। 6 ओवर में 1 मेडल, 16 रन, 16 रन देके 6 विकेट लिए थे उन्होंने यूएसए के खिलाफ 2020 में। वो उनका फेवरेट परफॉर्मेंस है और बेस्ट परफॉर्मेंस है अब तक वर्ल्ड क्रिकेट लीग में। किसी भी बॉलर ने 6 विकेट लिए नहीं है इनको छोड़ के खाली। बिल्कुल, वर्ल्ड क्रिकेट लीग में जिस तरह का परफॉर्मेंस आप देखिए, 6 ओवर में सिर्फ 10 ओवर कोटा ही पूरा नहीं हुआ, 10 ओवर होते तो पता नहीं शायद 10 विकेट
खेड़ी ना ले जाते, लेकिन खैर दूसरी तरफ से बॉलर है, उन्होंने विकेट भी लिए हैं। बेस्ट बॉलिंग स्पेलर संदीप लामिछाने, कोई दोहरा नहीं है, नेपाल की तरफ से बने हुए हैं और मैच सिर्फ 8 हुए हैं नेपाल के, उसमें भी बॉलिंग स्पेल में आ चुके हैं, तो काफी अच्छी संदीप लामिछाने, कोई दोहरा नहीं है, बॉलिंग में जबरदस्त है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, वो क्या है? बिल्कुल, अब वो है मोस्ट 50s। जी हाँ, इतनी में हमने देखा मोस्ट 50s और अब मोस्ट सेंचुरीज भी अब साथ साथ में कहेंगे। मोस्ट 50s में काइल क्वाइटजर, जी हाँ, नंबर वन पे है, जिन्होंने 11 मैचों में 650 मारी है अब तक, तो बहुत ज्यादा कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं ये भी कह सकते हैं, लेकिन टीम के काम जरूर आ रहे हैं कि 650 जमाइए, इसको कन्वर्ट करना, लेकिन करना चाहिए उन्हें जल्द से जल्द हो सके तो। बिल्कुल। अब मोस्ट 100s में, जी हाँ, मोस्ट 100 में है ओमान के वन एंड ओनली आकिब इलियास, जिनका 2 सेंचुरीज है इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में। जी हाँ, तो यही 2 सेंचुरीज अभी तक किसी भी प्लेयर नहीं मारे हैं आकिब इलियास के अलावा, तो ये इंतजार रहेगा कि दूसरी सेंचुरी अगर इसके लिए, और ऑलमोस्ट एन जेजे स्मिथ के बल्ले से निकलने वाला था उनका पहला शतक शायद, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपसेट हो गए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आकिब इलियास ने सबसे ज्यादा 2 सेंचुरीज अब तक लगाई है। एक और चीज इसमें हमने इंक्लूड की है और वो है कि सबसे ज्यादा डिसमिसल एज अ विकेट कीपर वो कौन है, जानते हैं? बिल्कुल, और ओमान, जी हाँ, इसमें भी ओमान के नाम सूरज कुमार, जी हाँ, सूरज कुमार 17 मैचों में 14 डिसमिसल किए हैं, जिसमें 12 कॉट हैं और 2 स्टंपिंग हैं, तो ये है उनके पूरे रिकॉर्ड, 17 मैचों में 14 डिसमिसल। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ओमान की जो टीम है उनके परफॉर्मेंस काफी ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि इनके मैचेस बहुत है, मैचेस यहाँ पर स्कॉटलैंड के भी हुए हैं, यूएसए के भी हुए हैं, पीएनजी के भी बहुत मैचेस हो चुके हैं, लेकिन और आखिर 8 मैचों में संदीप लामिछाने ने भी तो जगह बनाई, ये एक पैरामीटर नहीं हो सकता, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो ओमान के प्लेयर्स ने काफी अच्छा दिखाया है। सेंचुरी आकिब के बल्ले से 2 निकली है, 61 का एवरेज ऐसे ही नहीं आ जाता, और जाहिर सी बात है बैटिंग में एवरेज जितना ज्यादा मैच हो उतना ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पर इतने 20 मैचेस के बावजूद 60 प्लस की एवरेज आकिब इलियास की जबरदस्त है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और मैं असद वाला को स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है कि उन्होंने 500 रन इस टूर्नामेंट में क्रॉस किए। अब बिल्कुल, और ये एक देखने वाली बात होगी कि नेपाल की तरफ से कौन सेंचुरियन बनेगा। बिल्कुल, अभी तक किसी ने नहीं मारा है, और ये देखने की बात होगी कि कौन सेंचुरी करता है। 90 पे आसिफ शेख बहुत जरूर गए थे, और देखने वाली बात होगी कि कुशल गुर्जर भी सर 80 करीब पहुंचे, 86-84 आई थिंक पहुंचे थे, लेकिन क्या वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में एक भी नहीं आ पाएगा सेंचुरी, तो बड़ी हैरानी होगी। डिसअपॉइंटिंग नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि एक लॉन्ग इनिंग खेले तो बेहतर होगा, पहले सेंचुरी देखना होगा किसके बैट से आके निकलती है इस सीरीज में। ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, एंड जो आपने अभी तक देखा है, इसमें कौन सी एक ऐसी टीम आपको लग रही है जिनके अगर मैचेस होते हैं और ज्यादा से ज्यादा, तो दो ऐसी टीमें बता दीजिए चलिए, जिनके मैचेस होते हैं तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि ये टेबल जो है ये काफी चेंज हो सकता है। नहीं, अब किस डिपार्टमेंट में होगा ये बता दीजिए। अब बॉलिंग में मुझे उम्मीद है, बॉलिंग में मुझे उम्मीद है कि नेपाल के जितने मैच होंगे संदीप लामिछाने ऊपर आने की पूरी उम्मीद है, टॉप लिस्टों में कहीं ना कहीं वो आएंगे, और सौरभ नेत्रवल करके भी मैचेस अगर हुए यूएसए के तो वो भी बॉलिंग लिस्ट में आएंगे, और स्कॉटलैंड का जो है वो बैटिंग लिस्ट में स्कॉटलैंड ओवरटेक करता हुआ नजर जरूर आ सकता है, वहां रिची बैरिंगटन, काइल क्वाइटजर ये दोनों है जो ओवरटेक करने में दमखम रख सकते हैं। बिल्कुल, तो यानी फिलहाल आकिब इलियास है, लेकिन देखना होगा आगे कितना तक रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि स्कॉटलैंड के जो बैट्समैन है वो कहीं ना कहीं ओवर पावर कर सकते हैं आगे जाके लॉन्ग रन में, और ये सबसे बड़ी बात है कि सारे मैचेस हो तभी, बिल्कुल ऐसा बीच में रोक दें तो जाहिर सी बात है आकिब इलियास रह जाएंगे। ओवरऑल ये पूरा टैली है वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 सीरीज की जो आज की डेट तक जो इस जैसे की तैसी बनी हुई है, जैसे मैचेस होंगे हम आपको अपडेट लगातार कराते रहेंगे। लास्ट वीडियो में इतना, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए हम लगातार लाते रहते हैं। एशिया टीम्स की सारी स्टैट्स और अपडेट्स के लिए हमें फॉलो जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कुछ नहीं सिर्फ डायरेक्टली डीसी डालना है और आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में इतना।